फतेहाबाद के रास्ते उज्जैन से इंदौर जाने वाली ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को भोपाल से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी की ओर से कहा गया है कि महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जोड़ने के लिए ये नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब इंदौर वासी एक ही दिन में महाकाल के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के कारण ये प्रारंभ हुई है और 250 करोड़ का इसका बजट है और ये ब्रॉड ग्रेज में मिली है, जिससे उज्जैन, इंदौर और रतलाम के ग्रामीण लोगों को इससे बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और उज्जैन में आने वाले तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को भी रिजनेबल रेट पर और कम समय में उज्जैन आने का और महाकाल के दर्शन करने का लाभ मिलेगा।